शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर करेला पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि झांसी की ओर से दो व्यक्ति बाइक पर अवैध रूप से दो प्लास्टिक की बोरी में एक हरे रंग के बैग में गांजा लेकर बेचने के उद्देश्य से करेला की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर करेला पुलिस द्वारा आई लव तिहाई हाईवे रोड पर पहुंचकर झांसी की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। तभी झांसी तरफ से मुखबिर के बताए अनुसार एक बाइक पर दो व्यक्ति आते दिखे, जिनकी तलाशी लेने दोनों बोरियों और बैग 20 किलोग्राम सूखा गांजा भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई। दोनों आरोपी को बाइक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वही पुलिस द्वारा आरोपी से अन्य सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि माया शिवलोदी निवासी जुझाई और कुणाल राजपूत निवासी बबीना का मोटरसाइकिल से अवैध रूप से झांसी रोड झांसी तरफ से गांजा लेके आ रहे हैं। उस सूचना के आधार पर आई लव त्राय पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी निकले, जिनके मोटरसाइकिल पर कट्टे लटके हुए थे। उनकी चेकिंग की गई, उनके नाम पता पूछे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से करीब 20 किलो गांजा कीमती करीब 20 लाख रुपये का पकड़ा गया है। आरोपी के विरुद्ध 8/20 के एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।